बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार में भी और बिहार के साथ साथ पूरे भारत में भी। लोग पढ़ते हैं, पढ़ लिख कर इंटर करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं या फिर पीजी करते हैं, लेकिन जो है जॉब नहीं मिल पाता है। आज हम बात करना चाहते हैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में जिसका नाम है रेडिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी। और यह जो इंस्टीट्यूट है भारत सरकार से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर जो है फायर एंड सेफ्टी के लिए कोर्स कराया जाता है, जो एक डिप्लोमा कोर्स होता है फायर एंड सेफ्टी, जो एक साल का कोर्स होता है, वो करने के बाद जो है आपको 100% प्लेसमेंट की गारंटी लेता है ये इंस्टीट्यूट। फायर एंड सेफ्टी कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो 10th है और 12th है। मैट्रिक पास करने के बाद भी ये कोर्स आप कर सकते हैं और 12th पास होने के बाद भी ये कोर्स आप कर सकते हैं। 12th पास होने के बाद जब आप ये कोर्स करते हैं, एक साल का कोर्स होता है, उसके बाद जो है आपको प्लेसमेंट दिया जाता है, यानी कहीं ना कहीं जो है आपको जॉब भी दिया जाता है। और लगभग 3-4 सालों से यह इंस्टीट्यूट चल रहा है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। और हमने बात किया, उन्होंने बताया जो है लगभग 100 स्टूडेंट को जो है जॉब ये दे चुके हैं। ये वो संस्था है, 100 स्टूडेंट ऑलरेडी पहले से कहीं ना कहीं जो है भारत में जॉब कर रहे हैं। 10th करने के बाद भी ये कोर्स किया जा सकता है, लेकिन 10th करने के बाद जो है जॉब के लिए एज लिमिट 18+ होना चाहिए। तो 10th पास करने के बाद आप ये कोर्स को कर सकते हैं, लेकिन जॉब आपको तभी मिलेगा जब आपकी उम्र जो है 18 साल से अधिक होगी। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे और जो है ये लोग कोई 4 महीने, कोई 6 महीने, कोई लगभग जो है किसी का जो है कोर्स कम्प्लीट होने वाला है। और यहाँ से जो है प्लेसमेंट मिलता है 100% इसकी गारंटी है, वो हम इन्हीं बच्चों से पूछकर आपको बताएंगे। क्या नाम है ये बताइए? हमने सादिक। सादिक, कहाँ घर है आपका? मोहम्मदपुर। अच्छा, तो ये बताइए कि इस इंस्टीट्यूट में आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं? अप्रोक्स 6 मंथ टू 8 मंथ। 6 मंथ अप्रोक्स। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। अच्छा, ये क्या होता है फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग? प्रॉपर मतलब वर्कर को गाइडनेस किया जाता है कि किस तरह सेफ रहेंगे, किस तरह सेफ रहेंगे तो हमारी फैमिली खुश रहेगी और मतलब आपका जीवन अच्छे से गुजरेगा। अच्छा, तो यहाँ पर आपने एडमिशन कराया है, ये कितने साल का होता है फायर एंड सेफ्टी? 1 ईयर। 1 ईयर का होता है। तो क्या यहाँ से प्लेसमेंट है? क्या बताया गया है? 100% जॉब प्लेसमेंट है, जॉब मिल जाएगा, इसकी गारंटी है। यस सर, लोग बता रहे हैं जी। अच्छा, तो और भी कोई स्टूडेंट जो जॉब के लिए गए हो? जी, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गए हैं। कौन सा कोर्स कर रहे हैं? डिप्लोमा फायर एंड सेफ्टी जी। अच्छा, तो एडवांस डिप्लोमा। अच्छा, तो ये बताइए क्या ज्यादा खर्च भी लगता है इसमें? नहीं, मिनिमम गरीब आदमी कर सकते जी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कोर्स करने के बाद? कोर्स का जॉब के लिए बोले लगता है? लगता है। और भी कोई ऐसा एग्जांपल, और कितने लोग गए हैं जॉब करने के लिए? गांव से गए हैं 2-3 लड़के। आप हमारे गांव से? तो आप देख रहे हैं यहां पर वो स्टूडेंट हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और जो है इन लोगों का 1 साल का कोर्स है, और 1 साल का कोर्स करने के बाद 1 महीने के अंदर में सर्टिफिकेट आता है और 2 से 3 महीने में जो है इनको प्लेसमेंट मिल जाता है, यानी कहीं ना कहीं जो है जॉब मिल जाता है। मैं कोर्स की बात करूं अगर पैसे की, तो कुछ ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है, एक गरीब आदमी भी इस कोर्स को कर सकता है। तो क्यों लगा कि फायर एंड सेफ्टी का कोर्स करना चाहिए? क्योंकि ये इजी है और प्रोफेशनल वर्क है, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। अच्छा, तो मतलब क्या बताया गया जब आपने एडमिशन लिया तो प्लेसमेंट आपको मिलेगा यहां से? जी जी जी, 100% इसका यकीन है जी, बिलीव है। हाँ, बिलीव है। ये बताइए कि और भी कोई स्टूडेंट है जो प्लेसमेंट लिए हैं यहाँ से पढ़ने के बाद जॉब? जी, हमारे गांव से भी है, शहनवाज, सैफ, ये सब है जो यहाँ से जा चुके हैं जॉब पे। जॉब कर रहे हैं जी, जॉब कर पैसा कमा रहे हैं जी। कहाँ है वो लोग? वो एक गुजरात में है और एक महाराष्ट्र में। रेडिएंट इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं अभी हमारे साथ हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि कब से ये चला रहे हैं और कैसे ये प्लेसमेंट देते हैं, और ये जो कोर्स है फायर एंड सेफ्टी ये होता क्या है, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम इंजीनियर रहबर बेदार हुआ जी, और बेसिकली मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, और मैंने देश और विदेश के विभिन्न कंपनियों में पहले इस फील्ड में काम किया। आप इंडिया के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, बाहर के अंदर अरबटेक कंपनी हुई, तो
इन जगहों पर मेरा अपना इंजीनियरिंग सेक्टर का क्षेत्र जो है ना हम एक्सपीरियंस है। कैसे क्यों लगा आपको कि ये इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए? देखिए जब हम टोटल 6 साल काम करने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि हमारे मिथिला के खास रीजन में दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर सीतामढ़ी के इलाके में जो बच्चे इंटर कर करके या ग्रेजुएशन करके जो लोग बैठे हुए वो अवेयर नहीं है कि इंडस्ट्री में किस किस फील्ड में जॉब है। इंजीनियरिंग फील्ड में जो होता है जैसे सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में जॉब होता है वैसे ही एक सेफ्टी इंजीनियरिंग के एक डिप्लोमा कोर्स होता है जहाँ के इंटर आर्ट्स हो कॉमर्स हो साइंस हो या ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से इंटर मिनिमम किया हुआ बंदा वो बंदे एलिजिबल हो जाते हैं सेफ्टी डिप्लोमा का कोर्स कर कर करके। अच्छा तो ये बताइए कि इसमें आप प्लेसमेंट देते हैं अभी तक कब से इंस्टीट्यूट चल रहा है और कितने लोगों को आपने प्लेसमेंट? 18 से 19 मेरा पहला बैच चला था तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले बैच मैंने लगभग 95% बच्चों को दिया प्लेसमेंट और 2-4 बच्चे ऐसे थे जो फैमिली प्रॉब्लम किसी का घर बन रहा है कोई तबीयत खराब हो गई वो नहीं जा पाए फिर बाद में गए। उसके बाद जो 19-20-21 कोरोना काल चला उस कोरोना काल में भी हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन दे करके तकरीबन आप कह सकते हैं कि 100+ बच्चों को जिसमें आप लवाम हो गया मुड़िया हो गया सकड़ी हो गया खिरमा हो गया इस तरीके के जो भी हमारे क्यूटी और सदर ब्लॉक के बच्चे हैं जो जिसकी रीच थी। कोर्स कितने दिन का? देखिए ये कोर्स 1 ईयर सेफ्टी डिप्लोमा होता है। कोई भी बंदा जो इंटर मिनिमम पास आउट है आर्ट्स कॉमर्स बैकग्राउंड या ग्रेजुएशन है पार्ट 1 है पार्ट 2 है ग्रेजुएशन है वो लोग कर सकता है। कराने के बाद हम जी मिनिमम इसकी क्वालिफिकेशन जो होती है वो 10th होती है परंतु यह है कि वो जॉब कोर्स तो वो कर सकता है परंतु वो जॉब पर तभी जा सकता है जब उनकी एज 18 हो सकती है क्योंकि सेफ्टी का एक एक्ट है 1948 उसमें कहा गया है कि लेबर एक्ट में कि वही बंदा साइट पर कर जा सकता है जो आपको 18 साल एज हो। और मैं खास करके अपने मिथिला के बच्चों को जो भी इंटर पास है उसको मैं बार बार गुजारिश यही करूँगा कि ये वाहिद ऐसा सेक्टर है इंजीनियरिंग का दुनिया का जिसमें सबसे ज़्यादा जॉब सिक्योर है आप वाइट कॉलर जॉब है पावरफुल जॉब है। और अभी जो है जो दुनिया की ये जो एक्ट और इंडियन एक्ट जो है ये एक नियम निकाला है कि इंडस्ट्री के अंदर किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ पर भी 15 बंदा हो इवन इंजीनियर से लेकर के वर्कर तक हो मैनेजर से लेकर के कोई भी स्टाफ हो 15 बंदा जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर एक सेफ्टी डिप्लोमा होना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें जॉब कितनी क्रिएट होती है। कोई गरीब बच्चा फी अफोर्ड? जी देखिए हमारे यहाँ पर फीस मिनिमम है ऐसी कोई हमारे यहाँ पर फीस नहीं है कि बच्चे जैसे इंजीनियरिंग में 4 लाख फीस देते हैं 5 लाख फीस देते हैं उसके बाद 10,000-12,000 की जॉब लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उस फीस में बच्चे को जॉब तक पहुंचाना मेरी गारंटी है। सर आप पता बता दीजिए अपने इंस्टीट्यूट का। देखिए ये पता जो है लोआम में जो है लोआम मुड़िया रोड पर नियर हजारी पुल के पास है रेडिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी। आप काफ़ी मशहूर इंस्टीट्यूट है रेडिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी लोआम हजारी पुल के पास ये इंस्टीट्यूट अवस्थित है 2018 से अवस्थित है और नए सेशन में नामांकन जारी है। अभी रिजल्ट आने से पहले हमारे यहाँ सीट बुकिंग चल रही है और रिजल्ट आने के बाद भी आ रहे हैं बच्चे और जो लास्ट ईयर के बच्चे आपने इंटरव्यू में भी देखा उन सारों में लगभग आपको ये कह सकता है कि 30% बच्चों का कैंपस प्लेसमेंट हो चुका है। अभी और बच्चों का हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं अलग अलग कंपनी क्योंकि इंटरव्यू कंडक्ट हम लोग डायरेक्ट टेलीफोनिक करवा रहे हैं बच्चों को कंपनी में जाकर इंटरव्यू नहीं देना कि वहां जाए सिलेक्ट नहीं हो फिर वापस आए। तो सारी जो फैसिलिटी बच्चों को जॉब की होती है यहीं से प्रोवाइड हो जाती है इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है ऑनलाइन टेस्ट हो जाता है और जब फाइनल हो जाता है तब इसके बाद यहां आसान तरीके से आसान तरीके से बच्चे वहां जाते हैं और अपना जॉब सिक्योर करते हैं अपने करियर में आगे। ये एक ऐसा फील्ड है सर कि आप जरूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं तो ये एक मतलब कम समय में अपने करियर को सुनहरा और भविष्य और सिक्योर बनाने का बहुत बेहतरीन ये डिपार्टमेंट है सेफ्टी डिप्लोमा का सेफ्टी इंजीनियरिंग का।